हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू ड्रीम डोज। और होप यू ऑल डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो मेक श्योर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसा कि आप टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जो ESI प्लस आपका दरोगा मेंस का जो डेट, ठीक है, एग्जैक्टली घोषित नहीं किया गया, बट जो मंथ है वो आपको बता दिया गया, ठीक है। सो प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखिएगा, चीज़ों को आप जरूर समझ लें कि आपके हाथ में एक्चुअली कितना टाइम है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन का रिप्लाई मैं दे देता हूँ, आप सब लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहा हूँ कि सर आपने भी एग्जाम दिया था दरोगा प्री का, आपका हुआ कि नहीं। सो हाँ, मेरा इन है, ठीक है, मेरा हो गया है, बट जो गलत बातें हुई है उसके लिए आवाज़ उठाना जरूरी था, इसलिए मैंने जो 4 तारीख को जो आपका जो भी प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था, ठीक है। तो जो गलत हो रहा है तो भाई गलत हो रहा है, ठीक है, उसमें बात ये नहीं है कि मेरा अगर हो गया तो कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसमें ये ना करूँ, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो खैर, वो तो बात का बात है। और उस पर और क्या क्या, मतलब जो ये जो पेपर लीक हुआ है उस पर क्या क्या बोला गया वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हमें मेंस कैसे क्रैक करना है, ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजी तो नहीं देखेंगे, हमारा टाइम कितना है। और एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताया जाएगा कि आप कैसे एग्जैक्टली मेंस क्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखो, उसके बाद एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेंस के लिए कौन सा कोचिंग सही रहेगा पटना में। तो लिटरली मैं बोल रहा हूँ, नो नीड टू गो एनीवेयर, ठीक है। अगर आपने प्री निकाला है, ठीक है, प्री अगर निकाला है तो डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ है जो आप मेंस निकाल सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए एंड आई एम ऑल हेयर टू हेल्प यू आउट, ओके। एक एक चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, मैथ्स एंड रीजनिंग को आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बेस्ट में आपको अप्रोच एंड ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। और अगर आपको मेरे कोर्सेज के रेटिंग्स देखने तो आप मेरे नाम से अनअकैडमी में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या है और क्या बताया गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बोर्ड पे हम लोग बात करते हैं कि जो ये एक्चुअली जो फ्राइडे को जो हुआ था, ठीक है, मतलब फ्राइडे को स्टेटमेंट ये दिया गया है अशोक जी के द्वारा। आपको पता है अशोक जी कौन है, मतलब जो BPSSC के जो अधिकारी, ठीक है। तो देखो, उनके द्वारा बोला गया है कि दरोगा मेंस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ, जो दरोगा मेंस है, ठीक है, मैं पहले दरोगा मेंस का बात करता हूँ, दरोगा, सॉरी, ठीक है, ये जो आपका दरोगा, ठीक है, दरोगा मेंस का, ठीक है, दरोगा मेंस का जो है आपका एग्जाम जो होगा, देखो ये 2-3 पेपर में आया है, ठीक है, एक में आपको हिंदुस्तान वाला भी बता रहा हूँ और एक दैनिक भास्कर वाला भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपका जो दरोगा मेंस होगा, ठीक है, ये जो होगा आपका अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में, मेरे हिसाब से एग्जैक्टली मैं अगर बोलूँ तो आप मैं मान के चलो मई फर्स्ट वीक, ठीक है, मैं फर्स्ट वीक में अगर उन्होंने बोला है तो वो उन लोग करेंगे, ठीक है, इसमें आप एकदम श्योरिटी लेके चलो कि यहाँ इसमें आपका एग्जाम हो जाएगा, आप मैं फर्स्ट मान ही लो, मतलब फर्स्ट वीक, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो दिया है अभी तक वो एग्जैक्टली उसको फॉलो भी उन्होंने किया है उस चीज़ को, ठीक है। तो आपका एग्जैक्टली मई में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, तो अभी हमारा चल रहा है फेब चल रहा है हमारा, 28 डेज इधर हो गया, आज मैं आज का मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और आपका मार्च का हो गया आपका 31 डेज, ठीक है। तो मान लो कि ऑलमोस्ट आपके पास, ठीक है, 2029, मान लो एक में दिन और इंक्लूड, 60 डेज, मतलब 2 महीना आपके पास एग्जैक्टली अभी आपके हाथ में, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट दैट 2 स्टार ऑन योर शोल्डर, ठीक है, आपको वो मिलेगा 2 स्टार, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस पर हम लोग स्ट्रेटेजी पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एटलीस्ट आपके दिमाग में रखना है कि आपके हाथ में अब क्या है, 2 महीना है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको एक ऐसा फील होना चाहिए कि देर इज़ नो टुमारो, ठीक है, देर इज़ नो टुमारो, मतलब कल नहीं है, जो है सो आज ही है, और आज ही पढ़ के मतलब बेस्ट देना है आज आपको, ठीक है। सो देर इज़ नो टुमारो, आज से एकदम झोंक दो अपने आप को अगर वो 2 स्टार चाहिए तो आपको, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, जस्ट मेक श्योर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ESI का, ठीक है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको पता है इसमें टोटल जो था 212 पद था, ठीक है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि अराउंड 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, मतलब जो डाटा आपको बताया जा रहा है BPSSC के द्वारा, पर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये काफ़ी कम बताया जा रहा है, ठीक है। मैं इस पर और आगे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ तो मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 लाख भरा गया उनके हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है, मैं पेपर अच्छे से एक बार इसको पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है।
इस पर हम बाद में बात करेंगे, पर 212 इसमें पोस्ट है और इसका भी जो डेट माना जा रही है इनका उनके हिसाब से ये अप्रैल एंड में होगा, ठीक है, और ये जो बोला जा रहा है अप्रैल से मई में होगा। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, देखो दरोगा वाला में कितना है 50K प्लस, ठीक है, 50 मतलब 50,000 से थोड़े ज़्यादा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, ठीक है, इसे उनको प्रॉब्लम उतना होगा नहीं। और वहीं ESI में 2 लाख बोला जा रहा है, तो ये भी उतना बड़ा नहीं, मतलब ठीक है 2 लाख को आदमी थोड़ा दे नीड टू प्लान, ओके दे नीड टू प्लान फॉर 2 लैक्स, बट जो 50,000 वो आराम से करवा लेंगे। तो डेफिनेटली है कि ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल से मई के फर्स्ट में आपका मतलब कंक्लूड ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको समझ लेना है कि आपको आप कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है गाइस, होपफुली आप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। देखो बहुत सारी बातें निकल के आई है कि जो भी मतलब ये पेपर लीक का जो बात बोल रहा है ये सब र्यूमर्स है, तो उस पर हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बताएंगे, ठीक है, कि उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया और हम लोग क्या मांग कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ एडुकेशन, ठीक है, एडुकेशन ये सबसे ऊपर आपका रहना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी रहना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे लिए एक जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट जो अगर आप प्री में क्वालिफाई कर गए हो तो मेक श्योर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहोगे, हमारे तरफ से एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एट द एंड ऑफ द एग्जाम से पहले मैं पूरा क्रैश कोर्स मैं आपको GS का करवाने वाला हूँ, बट अभी जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, टोटल प्रैक्टिस सेट हम लोग ने कितना कर लिया, टोटल हम लोग ने 23 प्रैक्टिस सेट कर लिया, ठीक है। तो प्लीज़ वो जाके जरूर देखिए, GK का आपका ट्रिक वाला कोर्स चल रहा है जो कि एक रामबाण कोर्स है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप चाहते हो कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो तो जी जान झोंक दो, बाकी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बुक्स में आपको 2-3 बुक्स बताऊंगा, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो ये क्या आप अच्छा अच्छा एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो मैं बुक्स पे भी बात करूंगा नेक्स्ट मतलब वीडियोस में, ठीक है, और स्ट्रेटेजी प्लस बुक्स का जो होगा हम लोग साथ में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ड्रीम डोज, जस्ट मेक श्योर स्टडी हार्ड, ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट का मैं लिंक नीचे दे दूंगा प्लस GK ट्रिक का भी लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा, प्लीज़ अगर अभी तक नहीं देखो तो उसको देखो, ठीक है। और मैंने आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो कि 25 मार्क एटलीस्ट मान के चलो, ठीक है, वही है जो आपको 85 प्लस स्कोर करवाएगा, ठीक है, तो प्लस 85 प्लस स्कोर तब कर पाओगे, मैं हर प्रैक्टिस सेट में ये बताता हूँ, जब आप 20 आउट ऑफ 20 मतलब 20 या 25 जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के आप वो फुल स्कोर करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा पूरा पर स्ट्रेटेजी के साथ प्लस बुक्स के साथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में बैठ के पढ़ो, आप इजिली निकाल लोगे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना कि सर ये सब्जेक्ट कैसे करना है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। आप लोग हिंदी के बारे में पूछ रहे थे तो सच में बताता हूँ, मेरे हिंदी का मतलब उतना ज्ञान है नहीं, ठीक है, तो मैंने हिंदी का कुछ बोला ही नहीं, तो जब ज्ञान ना हो तो बांटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हिंदी का आप लोग खुद देखो, आपको तो बस 30 नंबर लाना है, ठीक है, तो आप इजिली कर लोगे मतलब, ठीक है। सो मतलब 30% आई थिंक लाना है, ठीक है, तो आप वो कर लोगे, तो प्लीज़ वो आप देख लेना और प्रॉपर मैं बता दूंगा, जो मेरे सिलेक्टेड फ्रेंड है उनको मैं जो लास्ट टाइम सिलेक्टेड हुए थे मतलब उनसे मैं पूछ के बताऊंगी उन्होंने एक्चुअली हिंदी में उन्होंने क्या मतलब प्रिपेयर किया था। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड एंड डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। प्लस मैं अपना वो भी चीज़ मैं शेयर कर दूंगा कि जो मैंने रेलवे के एग्जाम क्रैक किए थे रिसेंटली, वो भी चीज़ मैं शेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारे रेलवे के भी बच्चे हैं, तो मैं वो भी स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो स्टडी हार्ड, जय हिंद, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अपने तरफ से एक शेयर कर देना ताकि सब तक ये जो कंटेंट है वो सब तक पहुंच पाए, ठीक है। सो जय हिंद।